हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सबका फिर स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि हर एक नए टॉपिक के साथ आता हूं, तो आज एक टॉपिक लेकर आया हूं। आज हम बात करने वाले हैं वॉर फ्लो बॉक्स के बारे में। यहां पर देखिए, मैंने वॉर फ्लो बॉक्स की शीट जो है कटवा के लाई है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कहाँ पर आप वॉर फ्लो बॉक्स ले सकते हो, कितना कॉस्ट पड़ेगा और वॉर फ्लो बॉक्स कितना नेसेसरी है, क्या हम नेसेसरी ये वॉर फ्लो बॉक्स यूज़ करना इस्तेमाल करना ज़रूरी है, अगर इस्तेमाल करते हो तो इसके फ़ायदे क्या हैं और कहाँ से आप ये ले सकते हो, कितने में ले सकते हो, इसकी सारी जुगाड़ के बारे में जो भी है इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। मैं जितना मेरे तरफ से होगा मैं उसको आपको सारा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा, तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो स्टार्ट करने से पहले। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो जैसा कि यहाँ पर देखें, मेरे पास 5 फीट का टैंक तैयार हो चुका है। तो वन बाई वन स्टेप मैं ले रहा हूँ क्योंकि एट ए टाइम पूरा काम करना मुश्किल है, थोड़ा थोड़ा करके ही काम चलता है। तो 5 फीट का टैंक तैयार हो चुका है। यहाँ पर देखिए, प्लम्बिंग भी हो चुकी है। प्लम्बिंग में क्या हुआ है, थोड़ा अभी ओवरफ्लो बॉक्स डालना बाकी है जिसकी वजह से पेंडिंग है। जब तक ओवरफ्लो बॉक्स नहीं डालेंगे हम पानी फिल नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है ओवरफ्लो सम फिल्टर के लिए खासतौर पर ओवरफ्लो बॉक्स बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर पाइप डाला हुआ है, अगर हम ऐसे ही पानी फिल करके डालते हैं तो फिशेस आराम से अंदर जा सकती है, फंस सकती है या बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं और साउंड भी बहुत सारा गड़गड़ करके साउंड आता है अगर ओवरफ्लो बॉक्स ना हो, और पानी ज़्यादा जा सकता है नीचे के टैंक में। यहाँ पर जो सम बना हुआ है सब में पानी ज़्यादा जा सकता है, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा, नीचे पानी ज़्यादा गिरने लगेगा। पानी यहाँ पर जितना होगा पूरा नीचे आएगा, आधा जितना टैंक के एक्सेस होगा वो फिर नीचे गिरेगा, तो बहुत सारी दिक्कत होती है। ओवरफ्लो बॉक्स आने से क्या होता है, ओवरफ्लो बॉक्स क्या होता है, कंट्रोल करता है पानी को ओवरफ्लो होने से। जैसा कि उसके नाम में ही ओवरफ्लो है, ओवरफ्लो बॉक्स मतलब ओवरफ्लो कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें डालने से क्या होगा, जो पानी है कंट्रोल से एक क्या बोलते हैं उसको, एक लिमिट से पानी नीचे गिरेगा, नीचे गिर के फिर पाइप के थ्रू से नीचे जाएगा, जिससे पानी कंट्रोल होगा। अगर इनकेस बिजली चली जाए और पानी नीचे से पुश नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लाइंस बनाई हुए हैं, तो यहाँ तक ही पानी जाएगा, उसके नीचे का पानी नहीं जाएगा। ऐसे क्या हो, कंट्रोल भी हो जाएगा। अगर बिजली इनकेस चली जाए, आपका पंप काम नहीं कर रहा है, तो पारा पानी जितना भी जा रहा है इसके नीचे जितना आएगा रुक जाएगा, पाइप तो उसके नीचे रहेगा, तो वहाँ पर भी कंट्रोल हो जाएगा। बहुत सारी तरीके से आपके ओवरफ्लो बॉक्स जो है हेल्प करेगा, और बहुत सारी लेयर बन जाती है पानी के ऊपर, धूल वगैरह पड़ जाती है या ऑयल की लेयर जैसा कुछ बन जाती है, तो वो धूल सब ये ओवरफ्लो बॉक्स के थ्रू से चल जाता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहाँ से ख़रीद सकते हैं या कहाँ से बनवा सकते हैं, या क्या रेडीमेड मिलता है या बनाना पड़ता है या ख़रीदना पड़ता है। तो देखिए, आजकल के ज़माने में, पहले तो एक दो साल पहले ये सब मिला नहीं करता था, आज अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट में कहीं भी आपको मिल जाता है, लेकिन कॉस्ट 2,500-3,000 से आपको कम नहीं मिलता है, ज़्यादा होता है। अगर आप ये खुद बनाने जाओगे तो कम में मिल जाएगा आपको। कहाँ पर जाना है, देखिए मैंने खुद गया था, जो गाड़ियों की नंबर प्लेट्स प्रिंट करते हैं या नंबर प्लेट्स बनाते हैं 3D टेप के, जो नंबर प्लेट्स बनाते हैं, उस स्टोर को आपके गाँव में, आपकी सिटी में, जहाँ भी हो वहाँ पर आपको पहले सर्च कर लेना है कि आपके एरिया में 3D टेप के अक्रैलिक के नंबर प्लेट्स कहाँ पर बनते हैं, उसको तलाश कर लो, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर जाकर वहाँ पर आपको साइज़ बोल देना है। आप यहाँ पर चेक कर लो कितना साइज़ है, मैंने यहाँ पर चेक कर लिया, अपने हिसाब से बना सकते हो। जो अमेज़न में फ्लिपकार्ट में मिलता है, आपको वेबसाइट में कहीं पर मिलता है, तो उनका एक फिक्सेबल साइज़ होता है, आप उसको कस्टम नहीं कर सकते। अगर आप खुद बनाने जा रहे हो तो आप अपने हिसाब से साइज़ बना सकते हो, तो साइज़ ले लो, आपके हिसाब से साइज़ लेकर वहाँ पर जाओ, जाकर वहाँ पर बोल सकते हो। अगर उनको आइडिया नहीं है, तो जहाँ पर मैं गया था उनको कुछ आइडिया नहीं था कि ओवरफ्लो बॉक्स क्या होता है, क्योंकि वो तो सब स्टिकर बनाते हैं और वो अपने गाड़ियों की नंबर प्लेट सब बनाते हैं, तो उनको आइडिया नहीं। तो मैंने उनको आइडिया दिया कि इस तरह करना है, तो हम दोनों मिलकर वहाँ पर ड्रा किए कंप्यूटर में बैठ के, किस तरह होना है, बस ऊपर से 3 सेंटीमीटर छोड़ के नीचे आधा 2 इंच का जो है लकीर है, 2 इंच का उसकी चौड़ाई भी, जो बीच में गैप है ये वाली, ये भी 3 सेंटीमीटर गैप है। तो इस तरह हमने एक बना लिया, फिर कॉपी पेस्ट कर देगा 4 में। साइज़ मैंने बता दिया, इसका साइज़ वह है 8 इंचज़ के 6 इंचज़, मतलब चौड़ाई 8 इंचज़ है, हाइट 6 इंचज़ है, और जो साइड में 2 पीस बैठेंगे उसकी 6x6 इंचज़ है, ये 6 इंचज़ है, इधर भी 6 इंचज़ आएगी, नीचे का तो सादा रहेगा, वो सादा रहता है, तो ये बस 4 ही पीस चाहिए। ये मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है ताकि एक ग्रिप में हो मिल सके, मैं आपको बताऊंगा, हालांकि हर कोई लेता नहीं है, मैंने लिया है ताकि एक्स्ट्रा ग्रिप रहे, तो वहाँ पर जाके बनवा सकते हो। तो क्वेश्चन है, वहाँ पर कितना कॉस्ट लगेगा, देखिए डिपेंड होता है, अगर आप कोई शनाखत कोई आपका पहचान का हो तो कम ही बना सकता है, और इसे MM के ऊपर ही प्राइस होता है, कितना मोटा आपको चाहिए उसके हिसाब से एक्रैलिक का, या एक्रैलिक शीट है, एक्रैलिक शीट कितनी मोटी होती है उसके हिसाब से पैसा चार्ज करते हैं। 3 mm की आप बनाओ, मेरे हिसाब से 3 mm अच्छा नहीं है, कट हो सकता है, बेटर है कि आप अबाउ 4 mm का बनाओ, ये तो 6 mm का मैंने बनाया है,
आप चाहे तो 6 mm का बना सकते हो, अगर आप चाहे तो 4 mm का भी बना सकते हो, वो स्टेबल हो जाएगा, 5 mm का भी बना सकते हो, 6 mm का भी बना सकते हो, काफ़ी है। अगर आप 4 mm का बनाते हो तो मेरे हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली कास्ट आपको 600 तक आएगा, एज पर वो चार्ज करते हैं, वो उनका प्राइस होता है पर सेंटीमीटर 60 rupees ऐसा कुछ होता है। मैंने कभी उनको पूछा नहीं कि कितना सेंटीमीटर है, कितना कास्ट है, क्योंकि वो सेंटीमीटर के हिसाब से काम नहीं करेंगे, क्योंकि डिज़ाइनिंग सब करना पड़ता है, तो वो बस लमसम लगभग बात करेंगे। हाँ, बहुत सारी जगह पे सेंटीमीटर के हिसाब से बात करते हैं, तो कैलकुलेट करके साइज़ बता दोगे, इतना साइज़ है मेरे टैंक का, आप कितने में बनाओगे। तो 4 cm का आपको लगभग 400 से 600 तक बन जाता है। ये मैंने बनवाया है 6 mm का, 6 mm का मैंने 1000 rupees बनाया है, इसका पूरा चार्ज जो है 1000 rupees लिए है मेरे पास। हालांकि ज़्यादा लग रहा है आपको, लेकिन मैंने क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया है, 6 mm बहुत मोटा है और मैंने खुद बना के वहाँ पर डिज़ाइन सब बनवाया था, तो इसलिए थोड़ा बहुत 100 मेरे हिसाब से 100 rupees उन्होंने ज़्यादा लिया डिज़ाइनिंग का, तो 900 rupees अगर लगभग हो, चलो ओवरऑल 1000 rupees तो हो जाएगा विथ सिलिकॉन विथ गम भी उन्होंने दे दिया था, हालांकि उसका अलग चार्ज होता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ ओवरऑल 1000 rupees दे सकते हैं। आपकी सिटी में हो चाहे तो कम में भी हो सकता है, 800-700 में हो सकता है, 600 में भी हो सकता है, चाहे तो ज़्यादा भी हो सकता है, वेरियस होता है, हर सिटी में अलग अलग कॉस्ट होता है। ऐसा नहीं कि जहाँ पर मुझे बना के दिया उतना ही वहाँ पर भी मिले, हो सकता है आपको कम में मिल सकता है, हो सकता है ज़्यादा में मिल सकता है। तो ठीक है, इस तरह बना लेना है, बना के आपको सेट कर लेना है, साइज़ लेके जाओ, साइज़ माप लो, चौड़ाई कितनी चाहिए, हाइट कितनी चाहिए, उसके हिसाब से आपके साइज़ के हिसाब से। तो इस तरह की आपको शीट कट करके दे देंगे, डिज़ाइनिंग शीट वहाँ पर होती है, वहाँ पर जाकर बताओ कि कितना होता है, इतना होता है, तो ले लिया, तो बात क्लियर हो गई। तो क्यों, अब नेक्स्ट है किस तरह इसको बनाना है, लेके आओ घर पे, किस तरह बनाना है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, इस तरह की शीट यहाँ पर बन के मिल जाती है। ये देखिए, ये हाइट जो है 6 inches है, जैसा मैंने कहा, चौड़ाई 8 inches की है, 8 inches, और ये वाले 6 inches by 6 inches, ये नीचे का हिस्सा है, नीचे का भी वो सेम इसका जो होगा उतना ही होगा, लेकिन इसमें 6 mm कम होगा। देखिए नीचे का हिस्सा है, ये होगा 5.5 inch का, क्योंकि 6 mm यहाँ पर कम होगा, क्योंकि इसके ऊपर भी बैठना है ना। तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं, आप चाहे तो सिलिकॉन गम भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फेविक्विक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पहली बार आप फेविक्विक इस्तेमाल कर लो, बाद में सिलिकॉन इस्तेमाल कर लेना। तो अंदर के हिस्से का हम कर लेते हैं, और इसमें बहुत सारे कलर्स भी आते हैं, आप चाहे तो ब्लू ले सकते हैं, वाइट ले सकते हैं, क्रिस्टल क्लियर लेते हैं, बहुत सारे लोग ग्लास में बनाते हैं, लेकिन ग्लास का बहुत ख़राब लगता है, जो ट्रांसपेरेंट होता है वो आगे जाकर उसके ऊपर नमक जैसा स्टाइन बन जाते हैं और ब्लैकनेस बन जाती है, तो इससे बहुत गंदा लगता है। ब्लू भी मिलता है, लेकिन मैंने ब्लैक लिया है, ब्लू भी अगर ले लेते हैं तो ब्लू भी ले सकते हैं, कलर 4-5 कलर मिलते हैं उसके अंदर। लगाने के बाद ही दिखेगा, सबसे पहले हम यहाँ पर फेविक्विक डाल के चिपका लेते हैं। तो देखिए, हल्के से मैंने गम लगा लिया है, सब मैंने पूरा कवर नहीं किया है, हल्के से लगा लिया है। इतने में से ही लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं, ऐसे ही लगा के आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा पीस लिया है ताकि ये ग्रिप अच्छा रहे। यहाँ पर भी मैंने एक पीस लगा लिया ताकि ये पूरा बॉक्स कंप्लीट हो जाए, ताकि आगे जाकर ये स्ट्रेंथ रहे। तो देखो, ओवरफ्लो बॉक्स तैयार हो चुका है, मैंने गम लगा लिया, 10-15 rupees का गम लेके आया मैं, ओवरफ्लो बॉक्स हो चुका है, ये ऊपर का बाद में निकालेंगे हम लोग, कोई अर्जेंट नहीं है, अभी एक बार सिलिकॉन भी लगा दें, सिलिकॉन हालांकि लगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी पानी लीक ना हो इसके लिए हम सिलिकॉन एक राउंड लगाएंगे। तो इस तरह का बन जाता है, ये 1000 rupees का बना है, 6 mm का है, अगर आप 3 mm का बनाओगे थोड़ा पतला आएगा तो वो 500 बन जाता है, अगर 4 mm का बनाया तो 600, ऐसा जितना आप मोटा बनाओगे स्ट्रेंथ उतना कॉस्ट ज़्यादा होता जाएगा। तो ये जो है एक्स्ट्रा पीस डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे जितने भी मैक्सिमम यूट्यूबर जितने भी आप यूट्यूब पे देखोगे ये पीस नहीं डालते हैं, ऐसे ही डायरेक्ट डाल देते हैं, आप भी डाल सकते हो, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि डालो, लेकिन मैंने इसलिए डाला है ताकि यहाँ पर हम सिलिकॉन लगा कर आराम से चिपका सकें और आगे कोई दिक्कत ना हो और स्ट्रेंथ थोड़ा अच्छा रहे। और ये इससे क्या होता है, सिलिकॉन ज़्यादा लग जाएगा तो और पानी पकड़ लेगा, हालांकि इतोट भी लगा सकते हो यार, ऐसा मैं अभी क्या समझाऊँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे समझाऊँ। तो ये पीस आप चाहे तो डाल सकते हो, चाहे तो नहीं डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, मैंने लगा लिया ताकि स्ट्रेंथ अच्छा रहे और स्क्वायर अच्छे से बन सके। तो इस तरह ये इतना ही ओवरफ्लो बॉक्स है, इसको आप डायरेक्ट टैंक के अंदर लगा देना है। अभी एक राउंड सिलिकॉन लगा लेता हूँ ताकि ये आगे जाकर लीक, पानी लीक ना हो, यहाँ पर हालांकि लीक होगा तो उसके अंदर ही जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी थोड़ा सा लगा लेते हैं प्रिकॉशन के लिए, बोलते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन कर लेते हैं हम लोग।
बस इतना ही है, ये सूख जाने दो। सूखने के बाद आराम से लगा दो बस टैंक के अंदर। ओवरफ्लो बॉक्स हमारा तैयार हो चुका है, अभी ओवरफ्लो बॉक्स हम लगाने जा रहे हैं। तो हाइट के हिसाब से आप चाहे तो टैंक नीचे रख के सुलाकर उसको मर्ज़ी से लगा सकते, जैसा चाहे आपकी सहूलत हो, बस उसको अटैच होना चाहिए। आप अपनी मर्ज़ी से जैसा भी सहूलत की लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर सारा बना लिया, तो अभी इसको इस गिलास को इस एक्वेरियम को नीचे रख के मैं रिस्क लेना नहीं चाहता, इसलिए वैसे ही रख के मैं इसको सिलिकॉन से लगा रहा हूँ। तो हाइट के लिए मैंने थोड़ा बॉक्स ले लिए हैं, उसके हिसाब से लगाना कितना है। लगाना देखिए, यहाँ पर आपको इतना टच कर देना है यहाँ पर, क्योंकि ये जो पानी है इसके हिसाब से 2 इंच का ऊपर से 2-2.5 इंच के हिसाब से पानी जो है आपका फिल होगा, इसके लेवल आएगा। इसलिए ऊपर से जितना आपका लग रहा है गिलास को, जितना अभी मेरा देखिए इतना लग रहा है, जितना भी ज़्यादा हो उतना आप लगा देना है, टच कर देना ऊपर को। बहुत सारे एक्वेरियम में टच नहीं होता है, 1-2 इंच गैप रहता, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी मैं ये बॉक्स लगाने जा रहा हूँ सिलिकॉन के थ्रू। देखिए अभी सिलिकॉन किस तरह लगा, तो बस देखिए इतना ही है। एक बार आपने सिलिकॉन लगा के लगा दिए, 24 घंटे के बाद या 12 घंटे के बाद इसके जो सपोर्टिंग है इसको निकाल कर फिर दोबारा से एक अंदर से सिलिकॉन गम लगा लो, ताकि वो लीक ना हो या पानी इधर उधर ना जाए। दोबारा लगा कर 24 घंटे बाद, मतलब 2 दिन का गैप रहना चाहिए। एक दिन एक गम सूखेगा, फिर दोबारा एक बार सिलिकॉन लगा के दूसरे दिन सिलिकॉन सूखने के लिए छोड़ दो, तीसरे या चौथे दिन आप पानी डाल सकते हो। तो आज का टॉपिक यही है, आज हमने ओवरफ्लो बॉक्स लगा लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मीडिया डालकर उसमें पानी डालकर दिखाएंगे, तो आई होप आप वेट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का टॉपिक यही था ओवरफ्लो के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर शेयर करना, लाइक करना, जो भी इसके बारे में कहना मुझे कमेंट में ज़रूर कहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय, खुदा हाफिज़।